हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा अपने दोस्त के यहाँ, वहाँ पर स्टे करूँगा और नेक्स्ट मॉर्निंग जाके मैं उसके गांव जाऊँगा दोबारा से आम वगैरह खाने के लिए और अच्छे से मतलब वहाँ पर घूमने और देखते हैं क्या क्या फन एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, फर्स्ट टाइम जाऊँगा। तो अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रुकना है और हो सकता है फिर मैं आते समय नानी के यहाँ भी वहीं रुक जाऊँ, तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े रख के चल रहा हूँ। मम्मी क्या क्या रख लूँ फिर मैं कपड़ों में, कितने ले जाऊँ पहले तो ये बताओ। अरे 2 दिन के लिए जाना है बस। नानी क्या भी रुकना पड़ सकता है ना शायद। नानी क्या रुकोगे? तो एक तो ये रख ले रहा हूँ और एक ये टी शर्ट रख ले रहा हूँ, ये नई वाली अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है जो लेके आया था ना अभी, और एक ये रख ले रहा हूँ लोअर, ये घर में पहनने के लिए नाइट में सोने के लिए सही रहेगा। और एक ये टी शर्ट वहाँ पर अगर वहाँ नहाने गया तो उसके टाइम पहनूंगा क्योंकि मेरे बहुत बाल है ना इसलिए। मना कर दिया ना, तुम्हें नहाना नहीं होगा। और ये एक्स्ट्रा मैं रख ले रहा हूँ और ये मैं जाऊँगा अभी पहन के कि मैंने एक बार भी नहीं पहनी है इसलिए। टॉप भी रखना है क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करके डालनी होगी, तो सब सारा मैंने पैकिंग कर ली। और ये लैपटॉप का बैग था, ये पहले ऊपर रखा रहता था गंदा था, तो मैंने इसे कल धोकर साफ किया है और इसको पैक कर लेता हूँ इसमें। तो अब इसको रख लेता हूँ पहले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस टाइम पे, ये अभी पहन के जानी है तो इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं भी नेक्स्ट डे पहनूंगा, इसे नीचे रख लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा में इसको भी नीचे रखना चाहिए। और ये टी शर्ट लोअर मैं पहन सकता हूँ, तो फिर अब जब वो आ जाएगा तब फिर मैं यहाँ से निकलूंगा, तब तक लिए थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अभी तो वो घर से निकला है, फिर वो जाएगा अपने काम पे, फिर वहाँ से फ्री होगा तब मुझे फ़ोन करेगा और तब वो आएगा और तब हम जाएंगे। तो अप्रॉक्स अभी 1:30 बज रहा है, तो 2:30 या 3 बजे तक मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तब तक लिए थोड़ा आराम कर लूँ। बोतल भी रखना अपनी, पानी की बोतल वो ग्लूकोन डी वाली रख लूँगा, ये बहुत भारी हो जाती है। लेकिन देखो वहाँ पर नहाना मत, नहाना घर पे ही, और वहाँ पर जाओगे ना बस घूमना फिरना, घर में बाग में जाके देखूंगा ना उसके बाग गांव में जाना। लेकिन वहाँ कह रहे ना, तो वहाँ नहाएंगे जाके नदी में, क्या नदी नहीं है, पॉन्ड है एक छोटा सा। तो सभी लोग इकट्ठे जब नहाओगे तो इन्फेक्शन एक दूसरे की बॉडी से जाएगा ना। देखता हूँ नहीं तो ये सब काम बाद में करना जब कोविड खत्म हो जाएगा, अभी नहीं करना, अभी जाओ और आप सोने। हम भेजेंगे नहीं फिर तुम्हें कभी नहीं, ओके बात नहीं मानोगे, हम भेजेंगे नहीं। और तुम्हारे से अगर बीमार पड़ के आए तो हम कभी घर से नहीं निकल लेंगे। ठीक ठीक ठीक, बस ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस ही रखना। ये है एडवांट जो मैंने बाहर से दिखाया था पिछले वीडियो में, पिछले से पिछले वीडियो में, और ये इनसाइड है। और अभी वहां पर फाउंटेन चलेगा, यहाँ पर शो होता है एक, और यहाँ पर मिलने वाला है मेरा दोस्त। और भाई कैसा है, कैसा लग रहे पेट में? तो इसका नाम है असीम त्यागी, ये रहता है ग्रेटर नोएडा में और हम लोग छड्डी बड्डी हैं, मतलब बचपन से दोस्त हैं। हेलो बोल। बोलता हूँ गुड। तो अब क्या करना है, अभी क्या प्लान है? अभी हम लोग एडवांस में है नोएडा, अभी हम लोग मैकडी जाएंगे। हाँ, या फिर डोमिनो, जो भी बोलेगा, जो भी तभी आपको मिलेगा सब लोगों को। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या खाना है। चलो सही है, तो अभी मैं पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, वाटर शो यहाँ पर तो बच्चे खेल भी रहे। देखो और इसका नाम है शोभित मौर्य। और भाई क्या हाल है? मैं बढ़िया, तू बता। यहाँ से जा रहे हैं घर। ओके, इधर तो तू बैठेगा, भूल गया मैं। तो फाइनली अब हम लोग जाने लग गए घर, एडवांस से निकल के काफी लेट हो गया। कितने बज गए? 9:30। हाँ 9:30 पे डांट पड़ सकती है। और वो आगे मेरे दोस्त की गाड़ी जा रही है तो उसको फॉलो कर रहा हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बाद में हम उसको हरा देंगे, है ना? उसको हरा देंगे यहाँ से निकलते ही। तो फाइनली पहुँच चुके हैं उसकी सोसाइटी में। खाना पीना हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैं और
ये घूमने आ गए, वॉक कर रहे हैं सोसाइटी में। मास्क मैंने इसलिए पहन लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़े सोसाइटी में रूल्स हैं, बट ये यहीं का है तो इससे नहीं कहेंगे, है ना? ऐसा है क्या? नहीं, मैं कोई दिखेगा कोई दिखेगा तो मैं पहन लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आर्मी सोसाइटी है और यहाँ पे ये जो सोसाइटी है ये चार भागों में बटी हुई है, जिसमें से तीन भाग एक साथ है और चौथा भाग इसका अलग बना है, और कुल मिला के भाई यहाँ पे ना 100 एकड़ में फैली हुई सोसाइटी है पूरी। यहाँ पे करीब करीब 3000 फ्लैट्स हैं, 3 शॉपिंग सेंटर हैं, बास्केटबॉल कोर्ट और वो सब बाकी फैसिलिटीज तो तुमने देखी ही है, डेयरी अमूल अलग अलग है वो सब तो हाँ। दिख भी रहा है, अमूल निकल गया। हाँ, तो 3000 यहाँ पे फ्लैट्स हैं और 12000 लोग यहाँ पे रहते हैं, और एक थिएटर भी है जो मतलब चला नहीं है। उसके अलावा हर बिल्डिंग के नीचे गार्ड और ऐसे करते करते अगर आप मेंटेनेंस वालों को गिनोगे तो फिर हम ऐसा समझ लो कि कम से कम यहाँ 25000 लोग डेली रहते हैं, जिसमें से 12000 तो रेजिडेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी काम करने वाले हैं। और ये आप कह सकते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी सोसाइटीज़ में से एक है, तो आप इसको टॉप 4 या टॉप 3 में मान सकते हो कि सोसाइटी उसके अंदर आ जाती है। AWHO सोसाइटी नाम है इसका, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेटर नोएडा की है ना। हाँ, पर हम लोग भी घर ले सकते हैं भाई, अगर तुम्हारे घर पे कोई आर्मी वाला है तो तुम ले सकते हो, लेकिन जब तक कोई आर्मी वाला नहीं है तो फिर नहीं ले सकते, क्योंकि सिविलियंस के लिए अभी यहाँ पे अलाउड नहीं हुआ है, और अभी कोर्ट में केस चल रहा है कि सिविलियंस को भी आप अलाउ करो, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन सब में सारे तो आर्मी में नहीं जाएंगे। अब जैसे मैं सिविलियन हो जाऊंगा अभी चल के, तो फिर वो फैमिली में हो जाएंगे ना। हाँ, लेकिन जब हम लोग बेचेंगे इस घर को, मान लो जैसे मेरे नाम पे कल ये हो जाए तो फिर मुझे किसी आर्मी वाले को बेचना पड़ेगा, तो इस हिसाब से सब सारे जितने भी घर यहाँ पर है वो आर्मी वालों के हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आर्मी वाला बंदा खरीदे और किसी नॉन आर्मी वाले को तो दे दे। नॉन आर्मी वाले को नहीं दे सकते आप, किसी आर्मी वाले को ही बेचना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा सिविलियन है तो आप उसके नाम पे ट्रांसफर कर दोगे, बट आगे चल के उसको फिर बेचना पड़ेगा किसी और को। ये है यहाँ पर देखिए बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हैं। चलो, अब क्या कर रहा है तू? रात के 11:30 बज चुके भाई, एक गेम खेल ले बैटल ग्राउंड का, नया नया इंडिया में लॉन्च हुआ है, कल ही शुरू हुआ है यार। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ और मिलूंगा फिर नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह ही सुबह, क्योंकि कल जाना है इसके बाग में, काफी मस्ती होगी। तो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। यस, सेम जिसने बोला, गुड नाइट।